I greet you all in the name of the Lord Jesus Christ, my brothers and sisters in the Lord of life Assembly. name Assembly, And welcome all of you to this Bible study at our, of our church. And hour of our church. And just one announcement, this would be the last Bible study... फॉर दिसर और एक और सूचना मैं आपको दे दूं कि ये बाइबल अध्ययन इस साल का अंतिम बाइबल अध्ययन होगा की शुरुआत हम जारी रखेंगे नए साल के जो प्रोग्राम है उनको समाप्त करने के आई होल ऑफ यूर रिमेम्बर मुझे पूरी आशा है की आप सब उन संदर्भों या विषयों को याद करते हैं जो अभी जिसके विषय में हम अध्यन कर रहे हैं the, डिजन फाइव ऑफ फर्स एंडियो की पत्री उसके पाँचवें विभाजन को अगर हम देखें तो वो आठवें अध्याय पहले वचन से लेकर ग्यारहवें अध्याय पहले वचन तक चलता है और इसलिए आठवां अध्याय पहले वचन से लेकर तेरव वचन तक या दूसरे शब्दों में पूरा अध्याय डील्स क्रिस्टियन एंड क्वेश्चन एंड सोशल फंक्शन ये आठवां अध्याय बात करता है मसीही और उनकी वो लालसाएं और सामाजिक पर्व जिनके ऊपर सवाल उठाया जा सकता है और तीन <coughs> बातों के विषय में हमने अध्ययन किया the है फर्स्ट वन इज जज थिंग्स बाई लव नॉट बाई नॉलेज और की बातों का न्याय हम प्रेम के द्वारा करें ना कि ज्ञान से एंड द सेकेंड थिंग वी नोटेड वर्स और इस दूसरी बात जो हमने इस अध्ययन में देखी कि किस प्रकार से खाना किसी व्यक्ति को आत्मिक या, या गैर आत्मिक नहीं बनाता एंड टूडे वी शैल कंसिडर थर्ड दर्ड पॉइंट और आज की शाम हम तीसरी बात की ओर बढ़ेंगे एंड The, the the main thing, main thing thing in this point is that that we we as God's people should take care that we do not be a stumbling block. और इन सारी बातों में एक विषय जो पॉलिस हमें सिखाना चाहता है वो ये है कि हम अपनी सारी गतिविधियों में दूसरों के लिए ठोकर खाने का एक पत्थर ना बने शुड नॉट Uh, become a hindrance to others who may be weaker than we are. और हम दूसरों के लिए किसी प्रकार का रुकावट ना बने जो हमसे विश्वास में निर्बल हैं। Our responsibility is to carry them along and uh, make them strong. हमारी जिम्मेदारी तो ये है कि हम उन्हें अपने संग लेकर के चलें और उनके उन्हें मजबूत बनाते चलें। So today's meditation let us uh, read verses 9 to 11 of chapter 8 और इसलिए आज के हमारे अध्ययन के लिए पहले कुरंथियों 8वां अध्याय वचन से लेकर ग्यारहवे वचन तक हम पढ़ेंगे परंतु सावधान ऐसा ना हो कि तुम्हारी ये स्वतंत्रा, स्वतंत्रता कहीं निर्बलों के लिए ठोकर का कारण हो जाए, क्योंकि यदि कोई तुझे ज्ञानी को मूर्ति के मंदिर में भोजन करते देखे और वह निर्बल जन हो तो क्या उसके विवेक को मूर्ति के सामने बली हुई वस्तु खाने का साहस ना हो जाएगा इस रीति से तेरा ज्ञान के कारण वह निर्बल भाई जिसके लिए मसीह मरा नष्ट हो जाएगा द टीचिंग ऑफ जीस क्लियरली शोज आस दैट आवर लव फॉर गॉड शोज इट सेल्फ In the way we treat strangers. और प्रभु की शिक्षाओं में हम, साफ हम दिखाते हैं कि किस प्रकार का व्यवहार या रवैया हम लोगों के संग आपस में रखते as हैं well as the people around us, जो लोग हमारे इर्द गिर्द पाए जाते there हैं are strangers, आ, ऐसे लोग हैं जो अनजान are

इन अवर रिलेशनशिप विध आवर क्रिस्टियन ब्रदर्स हमारे दैट्रॉन्ग एंड नॉलेज समस्या ये नहीं है की हमें हम से कई मजबूत है और हमारे पास ज्ञान है एंड नॉट द इशू इज आवर wonderful freedom in Christ. और ना ही समस्या है प्रभु यीशु मसीह में हमारी अद्भुत स्वतंत्रता. The real issue is. लेकिन वास्तविक समस्या तो ये है. Our wonderful freedom in Christ. प्रभु यीशु मसीह में हमारा अद्भुत स्वतंत्रता. And uh, फ्रीज ऑफ अदर्स और समस्या ये भी है कि हमें दूसरों की निर्बलताओं को भी समझना और जानना है फ्राइल्टीज ऑफ द वीक और वो समस्याए जो कमजोर होकर के निकलते हैं

इसका मतलब है एक ऐसी वस्तु जो दूसरे को गिराने का कारण ए स्टोन एक पत्थर हो सकता है और एन ऑब्स्टेकल या कोई वस्तु हो सकती है एनओकेशन या कोई ऐसी परिस्थिति हो सकती है और एन ऑफेंस या एक कोई दोष या एक कोई गुनाह हो सकता है अब यूनिवर्स लिबर्टी कैन कॉज अ इसलिए विश्वासी की स्वतंत्रता एक निर्बल विश्वासी को उसके कमजोर विवेक के कारण उसके विश्वास में गिरा उसके पाप में गिरा दे दो हम दूसरों से मजबूत है, है। happened, जब ऐसा होता है, strong, hand, तब हम अपने आप को मजबूत या बलवंत नहीं दिखाते लेकिन दूसरे हाथ पर हम ये दिखाते हैं कि हम भी कमजोर हैं। इन द केस ऑफ क्रिंथियन चर्च और की कलीसिया के इस संदर्भ में सम वर पार्टिसिपेटिंग Uh, in functions where meat was offered to idols. कई सारे विश्वासी ऐसे उत्सवों या पर्वों में भाग ले रहे थे जहां पर मूर्तियों के समुख वो मांस प्रस्तुत किया जाता था एक बलिदान के रूप में सम इवन इन साइड द टेम्पल और उनमें से कई विश्ववासी मंदिरों के अंदर उन मूर्तियों के सामने उस मास को खाते इन फ्रंट ऑफ आइडल उन मूर्तियों के सामने एंड इट इज एस इफ दट यू आर Uh, to that idol. और ये ऐसा दिखता था कि आप खुद को उस मूर्ति के प्रति समर्पित कर रहे हैं और और ऐसा ही that, also, uh, और ऐसा ही मानते हुए देखते हुए कुछ कमजोर या निर्बल विश्वासियों ने भी मंदिर के भीतर उस बलिदान किए गए मांस को खाना शुरू कर दिया एंड grievously stricken in conscience। And and felt very sinful and unworthy to belong to belong the Lord Jesus Christ। प्रभु यीशु मसीह के प्रति उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि उन्होंने बड़ा पाप किया है और वो प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के नहीं। Now, this kind of situation becomes very difficult for बिलीवर्स और इस प्रकार की परिस्थिति विश्वासियों के लिए काफी समस्या दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू हैंडल दिस सिचुएशन क्योंकि ऐसी परिस्थितियों का सामना करना उनके लिए मुश्किल दे हैड टू टू स्ट्रगल Uh, to, to God's और इसलिए उन्हें परमेश्वर की क्षमा को पाने के लिए भी बड़ा लड़ाई लड़ना लगा या प्रयत्न करना पड़ा एंड उनमें से कई सारे विश्वासी खुद को माफी नहीं कर पा so रहे होल थिंग क्रिएट सच ए कंफ्यूशन एंड स इन पीपुल्स माइंड और इसलिए इस परिस्थिति ने कई सारे लोगों के अंदर उनके मनो में निर्बलता और उनके अंदर एक दुर्व्यवहार प्रयोग कर दिया बिकॉज अदर्स इन डेंजर ऑफ स्लीपिंग क्यूँकी डर तो ये था की वो कमजोर विश्वासी फिर से पूजा में और ग्यारहवे वचन में एक शब्द यूज किया गया है जो की नष्ट या नाश कराया जाना दैट वर्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग और वो शब्द बड़े कठोर रीति से प्रयोग किया गया है अपन उ

stumbling block to the weak. और इसलिए ग्यारहवें बचपन में पॉलिस बड़ी गंभीरता से इस बात को लिखता है कि सावधान रहो कि तेरे आजादी को कार्य में लाते समय तो किसी के लिए एक रुकावट या ठोकर खाने का पत्थर ना बन जाए प्लीज नोट दैट द होल टीचिंग हियर इज हाउ अ स्ट्रॉन्ग पीपल इन द चर्च should be mindful and careful in dealing with the weaker one and that dealing should be with the intention of lifting him up and making him strong. कृपया करके इस बात को आप ध्यान पूर्वक सुनिए और लिख लीजिए कि यहाँ पर मुख्य संदर्भ ये है कि किस प्रकार से एक मजबूत विश्वासी को एक निर्बल या कमजोर विश्वासी के लिए उदाहरण बनना है और उस कमजोर विश्वासी को उसके विश्वास में बढ़ाते और बलवंत करते चले जाना है One should never be a stumbling block to the weak. और इसलिए एक को कभी भी निर्बल के लिए रुकावट नहीं बो वट इज द्लियर इंस्ट्रक्शन गिवन और इसलिए स्पष्ट सिद्धांत यहां पर निर्देश क्या दिया गया क्लियर इंस्ट्रक्शन इज दिस और जो स्पष्ट निर्देश है वो ये है नो बिलीवर इज टू पार्टिसिपेट इन एनी फंक्शन दैट विल कॉज अनदर बिलीवर टू स्टम्बल लेस्ट ही बी डिस्ट्रॉइड और यहाँ पर निर्देश ये दिया गया है कि किसी भी विश्वासी को किसी ऐसे पर्व या उत्साह में भाग लेने की कोई आवश्यकता नहीं जिसके द्वारा वो किसी दूसरे विश्वासी भाई या बहन को ठोकर दे या उसके विश्वास को ठेस पहुंचाए देर इज वन सुप्रीम रीजन फॉर दिस और इसके लिए एक बड़ा उच्च कारण है एंड दैट रीजन इज और वो कारण है क्राइस्ट डाइड फॉर दैट ब्रदर और सिस्टर टू क्योंकि मसीह उस भाई और बहन के लिए भी मरा Christ paid the ultimate price and sacrifices himself to save That brother. और ने उस अंतिम बलिदान को छिपाया और वो इसलिए भी ताकि वो उस भाई को भी बचाने पाएमेंट गोस ऑन लाइ दिस और उसका जो तर्क है वो इसी प्रकार से आगे बढ़ता है स्ट्रॉन्गर क्रिस्टियन इनिंद इन देर फ्राइड अस्यूम्ड बाई दे और जो घमंडी या जो विश्वास में बलवंत और मजबूत विश्वासी थे उन्होंने अपने घमंड में इस बात को करना ठीक समझाई कुछर वे और उन्हें ऐसा लगा कि वो ऐसा करने के द्वारा अपने निर्बल भाइयों के लिए एक उदाहरण ठहरेंगे अनुसार द प्रॉब्लम विद वो जो से नहीं है वो पाप है रोमन चैप्टर फोर्टीन वर्स ट्वेंटी थ्री और रोमियो की पत्र चौदवा अध्याय तेईसवे वचन में हम पढ़ते हैं एंड रीड दिस फोर्टीन 14, 23. रोमियो की पत्री चौदवा अध्याय तेरवा वचन अतः आगे को हम एक दूसरे पर दोष न लगाए पर यह ठान लो कि कोई अपने भाई के सामने ठेस या ठोकर खाने का कारण न रखे हाँ इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट नोट फॉल दैट रोमन फोर्टीन वर्स वन टू फिफ्टीन और इस बात को भी देखना बड़ा महत्वपूर्ण है कि रोमियों की पत्री उसका चौदह अध्याय पहले वचन से लेके पंद्रवें वचन दिस रोमन लेटर written while Paul was in इन कोरिंथ ये रोमियों की पत्री तब लिखी गई थी जब पॉलिस खुद कोरिंथ नगर में मौजूद था also deals डील्स विद सेम issue. Of a stronger and weaker Christian. और ये पत्री भी एक बात करती है इस समस्या के विषय में कि वो विश्वास में मजबूत बलवंत और विश्वास में कमजोर या निर्बल विश्वासियों के विषय में Paul always favored the stronger position। और पॉल उसने हमेशा ऐसे स्थान को बना करके के रखना चाहा जो मजबूत था बट लेकिन दिस वुड नॉट बी recommended।

फ्रॉम फेथ की दूसरों के परामर्श के द्वारा नो मैटर हाउ वेल मीनिंग दे आर और ये मान्य नहीं रखता की कितना अच्छा या सही अर्थ उनका था गॉड इज नॉट ग्लोरिफाइड बाई एक्शन परफॉर्म अंडर एनी काइंड ऑफ Compulsion. और याद रखिए परमेश्वर कभी भी महिमा नहीं लेता उन बातों या कार्यों के द्वारा जो दबाव के द्वारा हम हम पर बनाया जाता है उसके द्वारा हम करते हैं गॉड लुक्स इनर मोटिव लेकिन परमेश्वर तो हमारे अंदरूनी उद्देश्यों को देखता इनर मोटिवेशन ऑफ अ पर्सन And on that basis. और एक मनुष्य के भीतरी प्रोत्साहन को वो देखता है और उस अनुसार परमेश्वर उसका न्याय करता है in your book, whatever. कुछ वचनों को मैं आपको दूंगा और अगर आप नोट्स लिख रहे हैं बना रहे हैं तो आप कृपया करके लिख लीजिए रोमन 15

और दूसरा छठा अध्याय तीसरा वचन फर्स्ट जॉन चैप्टर टू वर्ष पहला पहला दूसरा अध्याय और दसवा वचन बिफोर यू स्लीप स्लीपाइट और इससे पहले कि आज की शाम आप मेक श्योर दैट यू रीड दिस वर्ष इस बात को सुनिश्चित करें कि आप इन वचनों को पढ़िए एंड सो वी शैल नाउ गेट इन टू पॉइंट और अब हम आगे

या चोट पहुंचाना जिसका विवेक निर्बल या कमजोर है इज अ वेरी सीरियस sin एक बड़ा गंभीर पाप है फर्स्ट इट इज अ sin अगेंस्ट क्राइस्ट हु डाइड फॉर दिस ब्रदर क्योंकि पहले तो ये पाप उस मसीह यीशु के विरुद्ध है जो इस भाई के लिए मरा वी मस्ट ऑलवेज रिमेंबर द प्राइस ही पेड हमें हमेशा उस दाम को याद रखना है जो उस प्रभु यीशु मसीह ने चुकाया चर्च और इसके बाद ये कलीसिया के विरुद्ध भी एक पाप है the church being the body of Jesus Christ, क्योंकि कलीसिया तो प्रभु यीशु मसीह की देह है इंक्लूड द बिग ब्रदर टू इसलिए उस कमजोर भाई भी वो कलीसिया का भाग है एंड द बाइबल एंड बाई द डिवाइन इंस्पिरेशन always exhorted the uh, stronger one to support and bless the weaker brother to come up in life और पवित्र शास्त्र या बाइबल ने हम पवित्र आत्मा के प्रेरणा के द्वारा हमेशा मजबूत और बलवंत विश्वासियों को यह प्रोत्साहन दिया कि वो कमजोर विश्वासियों को व्यस्क बनाएं और उनका प्रोत्साहन करें so what is the sin in this तो so इसमें पाप क्या है sin therefore in this it amounts to devaluing the वर्क ऑफ क्राइस्ट ऑन the क्रॉस और इस बात में पाप यहां पर है जब हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा क्रूस पे किए गए उस काम को उस काम के महत्व को नीचे गिरा देते हैं। so it is not appreciated properly. ताकि इस कार्य को सही रीति से लोग समझते नहीं और उसकी सराहना नहीं करते। When we ignore the greater need of a weaker brother. जब हमें कमजोर भाई की बड़ी जरूरत क्यों को नहीं समझते और हम खुद उसके लिए ठेस या या एक एक ठोकर खाने का एक रास्ता बन जाते so reason, और या इस there, कारण, there no और ऊपर इस कारण इसलिए इससे बड़ा कोई पाप ही नहीं कि हम किसी दूसरे के विवेक को हम ठेस पहुंचाएं या उसका विनाश कर दे उ सिन है इसी रीति से पाप होता है याद रखिए एक चोट खाई गई आत्मा और मन एक व्यक्ति को ऐसा महसूस कराती है कि उसका कोई कार्य नहीं उसका कोई उपयोग ही नहीं It, uh, destroys all drives. एंड इनिशियम और वो हर एक उस प्रकार के उद्देश्य को और हर एक उस प्रकार की बातों को जो परमेश्वर की ओर से है उसका नाश करती है A a person with a wounded spirit और इसलिए एक व्यक्ति जिसकी आत्मा या चोट खाई है makes a person feel And helpless, तब वो वो व्यक्ति व्यक्ति को ऐसा महसूस कराती है जैसे वो है है जैसे उसका कोई ही नहीं and gives up. और वो व्यक्ति भी बड़ी आसानी से हार मान लेता लेते हुए वो बैठ जाता है कुछ करते नहीं या वो चलता है बिना किसी लक्ष्य के एंड दिसन कैन डिस्ट्रॉय चोट पहुंचा सकता है। For दिस रीजन और इसी कारणवश brother is a sin against Christ. और इसीलिए भाई को चोट पहुंचाना प्रभु यीशु मसीह की नजरों में एक पाप है And Jesus is with the believers. Even with the weak believer. और इसलिए प्रभु येह को हम विश्वासियों के संग पहचानते हैं और साथ ही साथ उन कमजोर विश्वासियों के साथ क्राइस्टिव और इसलिए विश्वासी को चोट पहुंचाने का मतलब है आप प्रभु ये मसीह को चोट पहुंचाते हैं इन दिस रिगार्ड प्लीज रीड मैथ्यू गॉस्प अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यू द गॉस्पल ऑफ मैथ्यू एटीन चैप्टर वर्स सिक्स एंड सेवन और इस संदर्भ में आप मती रचित सुसमाचार उसका अठारवा अध्याय छठा और सातवा वचन जरूर पढ़े ट्वेंटी फाइव साथ ही साथ्याय पैतालीसवा वचन एंड सो द फिफ्थ पॉइंट बी नोटी असली वो पांचवी बात जो हमें यहां पर देखनी है फॉलो द प्रिंसिपल की सिद्धांत के अनुसार चलिए Do nothing which leads a brother astray. और ऐसा कुछ भी ना करिए जो कि एक भाई को गलत राह पर ले जाए इमेजिन और इस बारे में सोचिए कि कहता है इफ एनी फूड ब्रदर टू अगर कोई खाना उसके भाई को ठेस पहुंचाता है ही विल नॉट ईट दैट फूड तब वो उस खाने को खाएगा ही नहीं पॉलिस का एक ही more, मेरे लिए वो भाई कहीं ज्यादा महत्व

प्रसन्न करने वाला बात क्यों ना है पॉल वुड गिव देम ऑल अप पॉल उस ऐसी सारी बातों को देने को तैयार था फॉर व्हाट किस लिए टू प्रोटेक्ट एंड कीप अ ब्रदर हु मे बी वीकर ताकि वो एक भाई को बचा सके जो कमजोर हो एंड मोर इमैच्योर इन द फेथ या हो सकता है वो अपने विश्वास में अभी आसयाना है

ऐसे खाने से दूरी बनाए रखना ही अच्छा है वुड अंडर नो सरकम और बिकम्बलिंग उस किसी भी परिस्थिति में किसी दूसरे के लिए ठेस खाने को तैयार नहीं ठेस का कारण बनने को तैयार नहीं था One another point और और Paul's statement is more comprehensive than one would think। Paul गहरी है जिसकी वजह हम समझ सके The word meat is a general term relating to food, not just आइडल food। और जो शब्द प्रयोग करता है मास वो शब्द का मतलब सिर्फ मांस नहीं है लेकिन वो हर प्रकार का खाना है जो कि उस मूर्ति के सामने चढ़ाया जाता है ही यूज ब्रदर फोर और अंतिम के तीन वचनों में वो भाई शब्द का तीन बार प्रयोग करता है सो इट शुड बी इम्पोर्टेंट टू ऑल क्रिस्टियन क्षमा करेगा चार बार वो प्रयोग करता है और इसलिए सभी मसीहों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होना चाहिए ब्रदर कि वो एक निर्बल भाई की चिंता करे देर इज अटन फ्रीडम ऑफ नॉलेज इन क्राइस्ट क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में ज्ञान की आजादी और स्वतंत्रता तो है बट वन मस्ट नॉट यूज हिस नॉलेज टू बी लिटल एंड डिस्ट्रॉय अ ब्रदर फॉर होम झीस डाइ लेकिन एक को अपने उस ज्ञान का प्रयोग एक दूसरे भाई को नीचा गिराने या ठेस पहुंचाने के लिए नहीं करना चाहिए जो क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उस भाई के लिए भी मरा। मराफरेंस फॉर योर रीडिंग कृपया करके इन वचनों को लिख लीजिए अपने पढ़ने के लिए uh, Acts chapter 20, verse 35. तो का कार्य बीसवा अध्याय पैतीसवा वचन Romans चैप्टर 14 वर्सेस 1 एंड 21 और रोमियो की पत्री 14 अध्याय पहला वचन और इक्कीसवा वचन एंड अगेन चैप्टर 15 वर्स 1 और रोमियो की ही पत्री में पंद्रवा अध्याय पहला वचन And First Corinthians chapter 8, verse 13. First Corinthians chapter ten, verse twenty-four. And First Thessalonians chapter five verse fourteen. Please read and compare these verses with today's study. We don't live for ourselves. लेकिन बाइबल भी बड़ी स्पष्ट रीति इस बात को बताती है कि हम तो खुद के हैं ही नहीं।, do do और हम ऐसी बातों को नहीं करते जो सिर्फ हमें तृप्त करें एंड वी प्रकार के स्वभाव से नहीं जी सकते ये मेरा जीवन है और जैसा मैं चाहूंगा वैसा जीवंगा नो यू आर रॉन्ग आप गलत हैं। ये आपका जीवन नहीं है और पवित्र शास्त्र साफ़ साफ़ बताता है so आप खुद के नहीं है प्राइस एंडेज यू क्योंकि किसी ने वो दाम चुकाया है कि वो आपको खरीदने पाए

पीपल इन our churches, द फर्स्ट generation Christians आर फ्रॉम नॉन christian background. क्योंकि हमारे लोग भी कई सारे सारे बहुत से लोग ऐसी समस्याओं का सामना करते हैं खास रीति से हमारी कलिसियाओं में पहली पीढ़ी के ही वो मसीह लोग हैं Christian life. और मसीही जीवन में स्वार्थ और स्वार्थीपन से जीने का कोई स्थान नहीं us live for Jesus by living फॉर अदर्स ब्लेसिंग और आइए हम यीशु के लिए जिए दूसरों के लिए जीने के द्वारा होली स्प्रे और इसके लिए हमें पवित्र आत्मा का आवश्यकता सोलर स्प्रे और आइए हम प्रार्थना करें Father, हमारे स्वर्ग हम धन्यवाद करते हैं यीशु तेरे पुत्र के लिए Jesus, और ये हम तेरा धन्यवाद करते हैं की तू आया और हमारे लिए एक उदाहरण के रूप में तू जी ये वी कैन नो द ट्रूथ और हाँ हम तेरे सच को जान सकते हैं टू लिव द ट्रूथ वी नीड द होली Spirit. So may your spirit, O Lord, causes us to realize this truth and then live. और और तेरा वो सत्य हमारी सहायता करे कि हम दूसरों के के लिए जीने यीशु नाम मेरे भाई बहनों आप सबको आशीष दे नाउ फ्रॉम दिस ऑनवर्ड वी आर एंटरिंग अ रियल सेलिब्रेशन ऑफ क्रिसमस सीजन और आज के समय से हम क्रिसमस का जो उत्साह है पर्व है उसको उत्साह मनाने के लिए हम आगे places, कई सारे प्रोग्राम्स हैं अलग अलग स्थानों पर uh, और हमारी अपनी कलीसिया में कई सारी सेवाएं चल रही हैं क्रिसमस टाइम क्रिसमस के समय uh, time, और उसके बाद हम नए साल में प्रवेश करेंट सेलिब्रेशन वी विली ऑन The first और इन सारे प्रोग्राम्स और बातों के पश्चात हम दोबारा अपने इस में आगे बढ़ेंगे God bless you all. परमेश्वर आप सबको और इन सारी बातों पर मनन करें And live for the glory of God. और परमेश्वर की महिमा के लिए